आप ट्रू बैलेंस से लोन लेना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो में दोस्तों कुछ अपडेट्स आए हैं ट्रू बैलेंस के, और ट्रू बैलेंस ने अपने प्रोसेस लोन प्रोसेस में क्या चेंजेस करे हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, और ट्रू बैलेंस से आप लोन कैसे ले सकते हो और लोन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो, इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, इसकी प्रोसेसिंग फीस क्या है, इसके चार्जेस क्या हैं, और यहाँ पे कितना टाइम के लिए लोन मिलता है, कैसे मिलता है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों अपडेटेड है, लेटेस्ट अपडेट के थ्रू यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अपडेट ही बता देता हूँ, सबसे पहले जो कुछ बग्स थे इन्होंने फिक्स करा है, उन्होंने जो इंटरफेस अपना इसमें एक ऑडियो सपोर्ट का ऑप्शन लाया है, हिंदी ऑडियो सपोर्ट का, ऐसे यूजर्स जो जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती वो हिंदी ऑडियो इंस्ट्रक्शन के थ्रू सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और साथ ही साथ में इन्होंने फ़ोन और कॉल, फ़ोन के ऑप्शन जो थे जो पहले परमिशन के तौर पर लिए जाते थे, फ़ोन और कॉल के जो ऑप्शंस थे उनको इन्होंने रिमूव कर दिया है, जैसा कि इन्होंने अपडेट में यहाँ पे बताया है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं ट्रू बैलेंस लोन ऐप्स के बारे में, बेसिक डिटेल के बारे में बात करेंगे, फिर यहाँ पे लोन अमाउंट, लोन टेन्योर, लोन इंटरेस्ट, और क्या क्या अगर आप लोन लेते हो तो क्या फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है, नहीं आ सकती, उन सब के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होता है उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम नया वीडियो लेके आए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रू बैलेंस की बेसिक डिटेल की। तो करंट में इसके 5 करोड़ से ज़्यादा के डाउनलोड्स हो चुके हैं, 50 मिलियन ऑलरेडी यूज कर सक रहे हैं लोग, 4.4 स्टार से ज़्यादा की यहाँ पे रेटिंग है, जो कि एक लोन ऐप के मामले में ठीक हो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको लोन अभी लेना चाहिए। मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आपको इससे लोन लेना या नहीं। बात कर लेते हैं टेन्योर की। तो ये लोन दोस्तों आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, उससे पहले मैं लोन अमाउंट आपको बताना चाहूंगा। इससे आपको सिर्फ स्टार्टिंग में 5,000 का मिनिमम लोन मिलता है, और मैक्सिमम जो लोन है वो 50,000 रुपये तक का यहाँ पे मिलता है। और ये जो लोन है आप इसे छोटा लोन ही ले सकते हो 50,000 तक का, अगर आपको बड़े लोन की जरूरत है तो आप इस ऐप से लोन नहीं ले सकते। अगर आपको बड़े लोन को ट्राई करना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दिख रही हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वेबसाइट में आपको विजिट करना है। अगर आपको एक बड़ा लोन चाहिए तो आप वहाँ पे जाके एक प्लेटफॉर्म के थ्रू देख सकते हो। बात करें कितने टाइम के लिए मिलता है, तो एक शॉर्ट टर्म लोन है दोस्तों, ये मिलता है सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए मिलता है। अभी इन्होंने जो टेन्योर है वो अपना कम रखा है, क्योंकि लोन अमाउंट यहाँ पे अभी इनका कम है। बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी इंटरेस्ट रेट लेते हैं, क्योंकि ये जो लोन ऐप है वो एमरजेंसी पर्पज़ के लिए यहाँ पे बनाई गई है। इनका इंटरेस्ट रेट जो है मैं आपको बताना चाहूंगा 60% से 154% है, जो कि ऑन एवरेज एक ऐप से के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा इसी वजह से है दोस्तों, क्योंकि ये इमरजेंसी में वर्क करती है, और ये उन लोगों को भी लोन देती है जिनका सिविल स्कोर थोड़ा कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है किसी भी लोन ऐप को लेके, क्या ये लोन ऐप NBFC रजिस्टर्ड है या नहीं, अगर है तो इसकी NBFC कौन सी है। तो ये एक NBFC रजिस्टर्ड ऐप है जिसका नाम है यहाँ पे ट्रू क्रेडिट, और 2 NBFC से टाई अप इन्होंने करा है, एक है ट्रू क्रेडिट, एक है ममता प्रोजेक्ट NBFC। ये दोनों ही NBFC दोस्तों इसमें इसके लिए काम करती हैं, और आप इस ऐप्स के थ्रू ना केवल आप लोन ले सकते हो बल्कि आप रिचार्ज कर सकते हो, बिल पेमेंट्स कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको कैशबैक यहाँ पे ऐप्स देती है, ठीक है ना। मैं पर्सनली स्टार्टिंग में इसको जब ये लोन देती भी नहीं थी तब से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को कैशबैक मिलता था जब भी मैं कोई रिचार्ज यहाँ पे करता था। लेकिन अभी इन्होंने लोन का फीचर लाया है जो कि काफ़ी इमरजेंसी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन सिंपल नॉर्मल नीड के लिए आपको लोन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप सिंपल मतलब लोन के लिए लेते हो, आपको ज़रूरत उतनी खास है नहीं, फिर भी लोन के लिए ले रहे हो, आपको दो चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट, और एग्जाम्पल के लिए आप लेट हो गए पेमेंट करने में तो पेनल्टीज भी लगती हैं, और जिसको आप हटवा सकते हो, ऐसा नहीं हटवा नहीं सकते, लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आप ये काम करो। और अपने अगर आपने लिया भी है तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग लो, और लाइबिलिटी के लिए लोन मत लो, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर क्या होगा अगर हम लोन का रिपेमेंट नहीं करते इस ऐप्स का, तो सिंपल सा दोस्तों ये लोन ऐप्स जो है आपकी सिविल में रिपोर्ट करेंगे, जो कि सब लोन ऐप करती हैं, और सिविल ऑटोमेटिक जो है अपडेट होता है हर महीने, तो यहाँ पे ऐसे केसेस में आपका सिविल स्कोर कम हो जाएगा कुछ पॉइंट्स में। और साथ ही साथ में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इस ऐप्स की तरफ से अगर आप 2 से 3 महीने का भी डिले करते हो तो यहाँ पे आपको इलीगल नोटिस रिसीव हो सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें लोन लेने से पहले कि आप समय से इन ऐप्स का पेमेंट कर सकते हैं नहीं, उसके बाद ही लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई करें, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। परमिशंस की बात करें तो आप साइड में सारी परमिशंस यहाँ पे देख सकते हो, कौन कौन से ये एक्सेस यहाँ पे लेते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो ये SSL सिक्योर यहाँ पे जो है ऐप्स है,
जिसको ऑलरेडी कई ज़्यादा लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और बात करें कंपनी की, तो ये बैलेंस हीरो नाम की कंपनी है। और इसकी अगर बात करें पार्टनर की, तो यहाँ पे साउथ कोरिया की एक कंपनी है जो कि इसके साथ यहाँ पे पार्टनर में है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक डिटेल थी दोस्तों इस ऐप्स के बारे में। अब आपको डिसाइड करना है आपको लोन लेना है या नहीं लेना। मेरा प्रोस्पेक्टिव क्या है कि आप कोई भी छोटे मोटे काम के लिए, छोटी मोटी नीड के लिए इससे ऐप से लोन मत लो, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। अभी यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको एक प्रोसेसिंग फीस के बारे में नहीं बताया इस ऐप्स के। तो यहाँ पे इस ऐप की जो प्रोसेसिंग फीस है दोस्तों, वो 2% रुपये, मतलब 2% की है। 100 रुपये में अगर बात करो तो 2 रुपये की यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस इस ऐप्स के थ्रू यहाँ पे लगती है। तो आप इसे चेकआउट जरूर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। बाकी अगर आपको बड़ा लोन चाहिए तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, चेकआउट यहाँ पे करिएगा। आपको सर्च करना है गूगल पे पेपरलेस लोन डॉट इन, और आपको कंप्लीट वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके थ्रू आप हर एक लोन ऐप को कंपेयर कर सकते हो। उसका कंप्लीट आप रिव्यू यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।